यार रोहित शर्मा के दिमाग में बैठ गया है शहंशाह अफरीदी का डर। दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज ने बताई भारतीय कप्तान के आउट होने की वजह। भारत पाकिस्तान मैच का इंतजार इन दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के अलावा दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को भी होता है। एशिया कप 2023 में एक बार तो भारत पाकिस्तान का सामना हो चुका है, जो बारिश की वजह से आधा ही रह गया। पारी भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली दूसरी टक्कर की है। इस मैच में रोहित शर्मा और शहंशाह अफरीदी की टक्कर की बड़ी बातें हो रही हैं। रोहित बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ कई बार आउट हो चुके हैं। शाहीन ने भी उन्हें कई बार आउट किया है। 2 सितंबर के इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले रोहित ने शाहीन को खेलने के लिए काफ़ी अभ्यास किया था, लेकिन फिर भी शहंशाह अफरीदी ने मैच में उन्हें बोल्ड कर दिया। हालांकि रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 में हुए आखिरी मैच में 140 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। लिहाजा फैंस को उम्मीद है कि 10 सितंबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच में रोहित शाहीन का बखूबी सामना करते नजर आएंगे। इसी क्रम में पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने रोहित की तकनीक के बारे में बड़ा बयान दिया है। शोएब अख्तर ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में 2 सितंबर को रोहित शर्मा के आउट होने वाले तरीके की बात करते हुए कहा कि रोहित शर्मा वो रोहित शर्मा है ही नहीं, शाहीन रोहित शर्मा के दिमाग में बैठ गया है। मैंने कभी रोहित शर्मा को उन्हें अपना स्टांस बदलते हुए नहीं देखा, लेकिन 2 सितंबर वाले मैच में उसने स्टांस चेंज कर बीट हुआ और उसके बाद बोल्ड हो गया। यही भारत पाकिस्तान मैच का दबाव होता है जो खिलाड़ियों पर पड़ता है। बता दें कि रोहित शर्मा और शहंशाह अफरीदी का अभी तक कुल 4 बार आमना सामना हुआ है। इस दौरान रोहित ने शहंशाह अफरीदी की कुल 42 बॉल खेली हैं, जिसमें 78.80 के स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाए हैं और 2 बार आउट हुए हैं। रोहित ने शाहीन की गेंदों पर अभी तक कुल 4 चौका और 1 छक्का लगाया है। अब देखना होगा कि 10 सितंबर को होने वाले मैच में क्या होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं।